ले जाइए, ये देखिए हुजूर, ईरान का नजीर तो महेश कर रहा है। ये बातें शहंशाह को जेब नहीं देती, यूं मामूली आदमी की तरह बाजारों में घूमना फिरना। हम इस कैद की जिंदगी से आज आ चुके हैं मंसूर, ताज तख्त की जिम्मेदारी को आप कैद समझते हैं अलीजा? ताज और तख्त, कैद बंद का कितना अच्छा नाम रख छोड़ा है तुम लोगों ने। दिल की धड़कने कानून की पाबंद, आंखें दुनिया की हसीन तरीन बहारों से महरूम, यही जिंदगी है हमारी। दुनिया की तमाम बहारें हाथ बांधे खड़ी हैं कुदरत में, और फिर भी महरूमी की शिकायत। बहारों के अगर हाथ बांध दिए जाए तो खिजा में तब्दील हो जाती है। अलीजा, हमें तुम्हारी राय से इत्तेफाक है। जो हम अपनी राय को दरबार के बाहर भी देखना चाहते हैं, जहां वो सर उठाकर चलती है। सुभान अल्लाह, आओ देखें वहां क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जवाब नहीं। हम तो हसन जैसे दोस्त जान तो कुर्बान कर सकते हैं। ये गूंगा नाच कुछ हमें तो पसंद नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात कही है। हसन, इस लूज लड़के को जबान दे दो ना। जो हुक्म दोस्तों का। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। ये खुले खुले से गेसू उठ जैसे बदलियां से, ये झुकी झुकी निगाहें गिर जैसे बिजलियां से, तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। तेरा झूमना मचलना नजर बदल बदल के मेरा दिल धड़क रहा है, तू लचक संभल संभल के, कहीं रुक न जाए जालिम इसी मोड़ पर जमाना है। कली कली के लब पर
तेरे हुस्न का फसाना, तेरा सिर्फ मुस्कुराना है कली कली के लब पर, तेरे हुस्न का फसाना। आज तो कमाल ही कर दिया तुम्हारे बेटे ने, ऐसे ऐसे शेर सुनाए कि लोगों के होश हवास गायब कर दिए। जरा इस नानबाई को भी कुछ शेर सुना दो, शायद ये भी चला जाए। अपने पैसों के लिए कब से मेरी जान को रो रहा है। सारा मजा किरकिरा कर दिया। अम्मी जान जल्दी से रुख्सत कीजिए इस मंजूर को। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं, मैंने तो एक कारून का खजाना दबा के रखा है। घर में जो कुछ था दिन रात की रंग रलियों में उड़ा दिया। अब तो पैसे पैसे की मोहताजी है। कल से यारों की जगह फाके मंडलाएंगे तेरे दफ्तर खान पर। अम्मी जान परेशान क्यों होती हैं? आखिर ये दोस्त किस दिन काम लाएंगे? मैं अभी लाता हूँ। तेरे दोस्त उनके लेने के हजार हाथ हैं, देने का एक हाथ नहीं। अम्मी जान मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा ना कहिए। वो पैसा तो पैसा, मुझ पर जान तक कुर्बान कर दे। मैं अभी लाता हूँ, आप देखिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलो। क्या मुझे? ठहरो भाई ठहरो। साहब सुन चुके, दोस्तों से दावती कीमत लेने आए हो? शर्म नहीं आती मेहमानों का हाथ फैलाते हुए? भाई तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त हो के ऐसी बातें कर रहे हो? बाज आए तुम्हारी दोस्ती से, एहसान भी लो पैसे भी दो। इससे सस्ती दावत तो हम बाजार में खा सकते हैं। अब कनीज को भी इजाजत दीजिए। मेरे इशारों पर नाचने वाली, तूने भी जबान खोली। घर में फूटी कौड़ी नहीं और मिजाज बादशाहों का। मियां हमारा इनाम दो और सलाम लो। इनाम? ये रेशमी जोड़ा, सर से पांव तक सोने चांदी के जेवरात, ये गले में हीरो का हार, ये सब किसके बदौलत है? निकल जाओ यहाँ से। यहाँ खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। क्या डरे होगे? खबरदार। ले लो अपना इनाम। खबरदार जो कभी इस घर का रुख भी किया। मैं तौबा करता हूँ, काम तो करता हूँ, अब मैं कभी किसी दोस्त पर एतबार नहीं करूँगा। नहीं नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी आंखें तो खुली। आराम के थे साथी क्या क्या, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन हो भाई? मुसाफिर है भाई, परेशान और भूखे। आओ ना, ठहरो। नहीं, मैंने अभी अम्मी जान से वादा किया है, कसम खाई है कि किसी दोस्त पर एतबार नहीं करता। मगर हम तो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, मुसाफिर और अजनबी हैं, तुम्हारा नाम सुनकर चले आए। ये बात है, मगर नहीं नहीं नहीं, नहीं। जाओ। तो हम चले जाएं हसन? अच्छी बात है, चलो भाई, आज की रात भूखे ही रह लेंगे। जी। ठहरो, आज तक हसन के घर से कोई नामुराद नहीं गया, और फिर तुम मेरे दोस्त हो नहीं, फिर मेरी कसम भी नहीं टूटती। तो जो कुछ है, अच्छा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। बैठो, अभी आ। नब्बू, नब्बू। जी मियाँ जी, कुछ खाने को है? खाना? खाने को तो कुछ भी नहीं। एक अम्मा जान को ना मालूम होने पर इसे गिरवी रख के और कुछ लिया। जी मियाँ जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह खाना बहुत ही लजीज है। बिस्मिल्लाह कीजिए, खाइए ना। उसमें था ही कितना, मैं अभी और लाया। जी हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नब्बू, अरे नब्बू, मियाँ जी चला जा, जल्दी जा। सुभान अल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात, क्या कोई बात नहीं, मैं और लाता हूँ। जी हाँ जी। ये आप क्या कर रहे हैं मियाँ? या खुदा, तू ही इज्जत बचाने वाला है। लाइए लाइए। देखिए तो मेरी आंख में क्या पड़ गया। अरे खुलिए आप, खुलिए आप, खुलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आइए। उफ़, यकीन मानिए कि बड़े जोर की भूख लग रही है। अल्लाह तुम बड़ी नवाजिश होगी। जी घर से कोई भूखा नहीं गया, अब क्या होगा नब्बू? मियाँ जी, ये आदमी है कि जिन्नात? अरे जो भी हो, मगर मेरे मेहमान तो हैं। अच्छे मेहमान, तो क्या आप अपनी बोटियां काट कर खिलाइएगा? बोटियां? मैं उन्हें अपनी बोटियां ही खिलाऊंगा। मियाँ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर तू नहीं देख सकता तो आंखें बंद कर दे। हमने हातिम के किस्से जरूर सुने थे, मगर आज तुम्हारी सखावत को अपनी आंखों से देख लिया हसन। लानत है उन लोगों के ऊपर जो तुम जैसे दोस्त की कदर नहीं करते। आज जिंदगी में ये पहला मौका है के हसन के दस्तरखान पर मेहमान भूखा रह गया। हम भूखे नहीं रहे हसन, आओ तुम्हें तमाशा दिखाए, चलो। मंसूर जी। ओ एक मुफलिस से ऐसा मजाक जेब नहीं देता। तुम मुफलिस नहीं हो हसन, तुम्हारा दिल तो शहंशाहों से बड़ा है। अरे खाली खुली दिल से क्या होता है भाई मेरे, अगर हम शहंशाह होते तो बताते। ठीक। अच्छा, अगर तुम शहंशाह होते तो क्या करते? अरे छोड़ो ये सब शेख चिल्लियों की सी बातें, न यहाँ शहंशाह हो सकते हैं और ना। अरे भाई आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। खा ही तो रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ। लीजिए नौशराइए। लीजिए। शुक्रिया जी। अगर हम शहंशाह होते तो सारी दुनिया को एक बहुत बड़ी दावत देते। देते मंसूर जी। जी जी हाँ। आभार। आज के दिन हमारा ये मेहमान तुम लोगों का शहंशाह है, इसका हर हुक्म हर इशारा उसी तरह से पूरा किया जाए जिस तरह से कि हमारे हुक्म की तामील होती है। जापना गुस्ताखी माफ, गुलाम को ये खदशा है कि आली जात की ये नई नई तफरीहें कहीं सल्तनत को किसी मुसीबत से दोचार न कर दे। सल्तनत की भलाई का ख्याल शाह को वजीर से ज्यादा है। हम देखना चाहते हैं कि शाहों का दिल रखने वाला शाही दिमाग भी रखता है या नहीं। पारा, हम इसको तुम्हारे सपोर्ट करते हैं। जी शहंशाह। सूरज की किरणें कदम बोसी को हाजिर है, नसीम सहर बारियाबी की इजाजत चाहती है। जहां बना
जरूर ये जन्नत है। मालूम होता है हम अल्लाह को प्यारे हो चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। दरबार में आपका इंतजार हो रहा जहाँ पना। दरबार जहाँ पना? कौन जहाँ पना? जहाँ पना, आप मजाक फरमा रहे हैं। इस मुल्क में आपके अलावा और कौन है शहंशाह? यानी तुम्हारा मतलब यह है कि हम शहंशाह और तुम हमारी मलिका? आपकी कनीज पारा। फिर कहो एक मरतबा। आपकी कनीज। हाय परवरदिगार, ये ख्वाब मैं हमेशा देखता रहूं। सुबह को इसकी ताबीर अम्मा जान से लूंगा, वो ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी देती है। हाँ ये ख्वाब नहीं शहंशाह। ख्वाब नहीं तो फिर क्या है? अच्छा लो तो मेरी उंगली में काटो तो। काटो। ये मैं गुस्ताखी कैसे कर सकती। काटो। काटती है तो वाकई हम जाग रहे हैं, मगर हम ये शहंशाह कब बन गए? ये ख्वाब मैं था। ए गुल बहार। फूलों में तो लो, कलियों में तो लो, हमें किसने याद फरमाया? मंसूर ने। आए? हाँ। क्या है? क्या तुम इतना सा फूल सुना करती हो? तुम तो कोई अच्छा बड़ा सा गोभी का फूल सुना करो। हाँ चुप रहे मरियल टिड्डे। आए देखो बिगड़ने की बात नहीं, तुमने आज सुना है कि आज शहंशाह ने उस बंदर को तख्त पे बिठा दिया है? वो तो हमें मालूम है, कोई नई बात सुनाओ। बादशाह को तो रोज नई नई सूझती है। आए? आए, आए। बा अदब बा मुलाहिजा होशियार बाज, शहंशाह आलम दिल तुफानी आदम सानी अब्बुल हसन, शहंशाह जुल्मनन तख्त शाही पर जलवा फरोज होने तशरीफ ला रहे हैं। आपकी सलामती की तोपें दागी जा रही हैं। बंद करा दो। तुम्हें मालूम है कि मां बदौलत को धमाकों से इख्तलाज होने लगता है। जहां पना की शान में गुलाम ने कसीदा अर्ज किया है, इजाजत हो तो गोश गुजार करूं। हाँ इजाजत है। तू निगारे तू निगारे सल्तनत है, तू निगारे सल्तनत है, ऐ शहंशाह जमा तेरी दहशत, तेरी दहशत से लरसते, तेरी दहशत से लरसते है जमीनो आसमान। खैर ना मियां शायर, ये शेर तुम हमारी शान में अर्ज कर रहे हो ना? जी हाँ जहाँ पना। अच्छा आगे बढ़ो। तू चमन तू चमन चमन तू चमन अंदर चमन, तू चमन अंदर चमन, अंदर चमन अंदर चमन, क्या बात है अंदर चमन। तू चमन अंदर चमन, अंदर चमन अंदर चमन, और तेरे कदमों तेरे कदमों पर तसद्दुक, तेरे कदमों पर तसद्दुक है बहारे गुलसितां। यानी चमन अंदर चमन, अंदर चमन अंदर चमन, गोया के एक डिबिया उसके अंदर फिर डिबिया और उसके अंदर फिर डिबिया और फिर डिबिया और उस डिबिया के अंदर हम। बकवास है ये सब। न तो हम निगारे सल्तनत हैं और न शहंशाह समा, ये बहुतान है हम पर। और ये भी सरासर झूठ है कि हमारी दहशत से जमीन और आसमान कांपते हैं। मियां शायर जमीन और आसमान तो बड़ी चीज, हमसे तो मक्खी और मच्छर भी नहीं डरते, फिर ये जमीन और आसमान कैसे कांपेंगे? हम तो निहायत बेवकूफ और निकम्मे शख्स हैं। हम दुरुस्त फरमा रहे हैं
जी आलम पना। जी आलम पना। क्यों मियां शायर, ये झूठे की क्या सजा है? झूठे के गर्दन काट देना चाहिए। शाबाश वजीर आला। आलम पना, बुलाओ गर्दन को, उड़ा दो जल्लाद को। आलम पना, बहुत अहमक हो, यानी समझते नहीं, जल्लाद को बुलाओ और इस झूठे की गर्दन उड़ा दो। जल्लाद। आलम पना, आलम पना, अरे हमारे दूसरे बेचे, जल्लाद क्या कर रहा है? छोड़ दीजिए, हम तो मजाक बनवा रहे थे। देखो मियां शायर, हम जैसे बेवकूफ बादशाहों की झूठी तारीफ से तो बेहतर यह है कि तुम घास खोदना शुरू कर दो। हुजूर वाला, चंद जरूरी मुकदमात दरपेश है, अगर इजाजत हो तो। मुकदमात? मां बदौलत को मुकदमात से सख्त तशवीश होती है। हमारा हुक्म है कि आज सारे मुकदमात खारिज कर दिए जाएं। और देखो, मुजरिमों से कह दिया जाए कि आइंदा से अगर जुर्म किया तो बहुत ही बुरा होगा। है जो हुक्म शाही। हाँ, हमारा हुक्म है आज मुकदमात में फंसने के बजाय कुछ शेर व शायरी कर दी जाए। क्या राय है दोस्तों की? जो हुक्म शाही। आपको कुछ तकलीफ है? नहीं हजूरे वाला। खैर, कोई बात नहीं, मां बदौलत खुद चंद शेर इरशाद फरमाना चाहते हैं। इजाजत है? शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार और बेनवा है सो है वो भी आदमी, और नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। आई, मैंने कोई तारीफ ही नहीं करता, सबको सांप सूंघ गया क्या? अरे भाई, शेर पसंद हो तो तारीफ कीजिए आप लोग। देखिए दरबार की शान। जी हाँ आलम पना। अरे भाई, आप लोग इतनी दूर क्यों खड़े हुए हैं? और करीब आ जाइए, आइए ना, और करीब आइए, और तुम दोनों भी आ जाओ। ए बल्लम, वहीं फेंक जाओ। बल्लम क्यों ला रहे हो जी? ये आ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आइए आइए आइए। अर्ज किया है, गौर से सुनिएगा, यहाँ आदमी ही लाल और जवाहिर है बेबहा, यहाँ आदमी ही लाल और जवाहिर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया, काला भी आदमी है के उल्टा है जूतवा। काला भी आदमी है के उल्टा है जूतवा, और गोरा भी आदमी है के टुकड़ा है चांद का। और बदशक्ल बदनुमा है सो है। अलीजा, अगर जान की अमान पाऊं तो कर्ज करूं? फरमाइए फरमाइए, इसमें तकल्लुफ ही क्या जरूरत है? ये तमाशे तो होते रहेंगे। हजूर वाला, अगर शादी के बारे में कोई फैसला फरमाए तो। देखिए वजीर आला, हम इस किस्म की अहमकाना शादी के कायल नहीं, शादी हम अपनी पसंद से करेंगे। मगर अलीजा, मुल्क की बेहतरी। हमारी जाती जिंदगी से मुल्क के हालात पर क्या असर पड़ सकता है? किस कदर अजीब बात है वजीर आला, महल के कालीन आप हमारी पसंद से मंगवाते हैं, गुलामों का इंतखाब हमारी मर्जी से होता है, गरज के हमारी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। बेशक अलीजा, लेकिन मसलहत का तकाजा है। मगर हमारे दिल का तकाजा है कि जिंदगी के हम सफर का इंतखाब देखभाल कर किया जाए। शहजादी लाला रुख तशरीफ ला रही हैं सर आंखों पे, लेकिन अगर वो हमको पसंद ना बना तो ये शादी नहीं होगी। अलीजा, ये हमारा आखिरी फैसला है। इस महल का बेशबहा हीरा तुम हो पारा तुम। इज्जत अफजाई का शुक्रिया जहांपना। अब बैठो। ये मैं गुस्ताखी कैसे कर सकती? ठीक, एक बात बताओ नहीं पारा पारा। कहिए। तुम कनीज बनना पसंद करोगी या मलिका? आपकी कनीज, दूसरों की मलिका। शाबाश।
जहां बना अबुल हसन के बारे में क्या हुकुम है? मंसूर जी, हमारे दोस्त को जिस तरह से लाए थे उसी तरह से वापस कर दिया जाए। बहुत बेहतर। अबुल हसन, ए अबुल हसन, उठो बेटा, देखो कितना दिन चढ़ाया है। हम उस वक्त तक बेदार नहीं होंगे जब तक तुम तो वही नगमा नहीं छेड़ोगी जो हमें जगाने के लिए छेड़ा करती थी। तकल्लुफ न करो जाने मन, साज उठाओ और हमारे दिल के तारों को जगा दो। किधर हो जाने मन, इधर आओ। ये क्या बक रहा है बदनसीब? बक नहीं रहा है, हम इरशाद फरमा रहे हैं। और फरमाने के बच्चे? तू कौन है मक्कार बुढ़िया? मैं कौन हूं? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, माँ। खबरदार, शहनशाह वक्त से इतनी बेतकल्लुफी! कहाँ है वजीर आला? जी मियां। जल्लाद को बुलाओ और इसकी कत्ल उड़ा दो। जी जी मियां, कत्ल उड़ा दो इसकी। ये तुझे क्या हो गया है बेटा? मालूम होता है मियां का दिमाग चल गया है। तू कौन है बदतमीज? इसकी भी गर्दन उड़ा दो। मैं आपका नप्पू हूँ मियां। नप्पू? हाँ। कौन नप्पू? अरे अरे, ये तुझे क्या हो गया है बेटा? आग लगे ऐसी शायरी को, मेरे बच्चे को कहीं का ना छोड़ा है। मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ, मैं शहनशाह हूँ, शहनशाह। ये क्या बक रहा है बेटा? किसी ने सुन लिया तो तेरे जान की खैर नहीं। खबरदार, कौन सुन लेगा? हम खुद शहनशाह हैं, हमारी जान की खैर नहीं। खबरदार, वजीर कहाँ है? तमाम सब मुलाजिम कहाँ गए? बेटा, वजीर आला, समाज हमारी फौज कहाँ है? फौज कहाँ है? जानते हो तुम सब लोग हम कौन हैं? हम इस मुल्क के बादशाह हैं, तुम सब लोग हमारी रियाया हो। मैं सच कहती हूँ पारा, वो पागल हो गया है, गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है मैं शहंशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। शहर भर के बच्चे उसे ये बड़े बड़े पत्थरे मार रहे हैं, मगर वो अपनी ही धुन में मजनू की तरह गा रहा है। पारा पारा पुकारू मैं वन में, पारा पारी बसी मेरे। बस करो, बस करो गुलबहार, अब मुझे नहीं सुना जाता। या खुदा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? जहाँ बना जिंदगी ही जिंदगी में दो जिंदगी दफा हो गई, उधर गरीब हसन का बुरा हाल है, इधर ये बेचारी रो रो के जान दिए देती। हसन को हमारे रूबरू पेश किया जाए। जहाँ बना, ये शारत उन दो शैतानों की मालूम होती है अलीजा, उसमें से एक तो आपका भेष बदल के आया था, बिल्कुल आपका ऐसा, यानी उसको छिपाऊं आपको निकालूं, आपको निकालूं उसको छिपाऊं, कोई फर्क नहीं। उसने न जाने क्या चीज घोल के मुझे पिला दी कि मैं, उसके बाद मैंने अजीब ख्वाब देखा। भला ख्वाब पर भी किसी का जोर चल सकता है आलीजा? मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैंने देखा जैसे मैं शाही आराम गाह में जलवा अफरोज हूं और मुझे एक हसीना ख्वाब नाच से बेदार कर रही है। आलीजा, फिर मैंने देखा गुस्ताखी माफ, जैसे मैं शाही तख्त पर बैठा हुआ हूं और मेरी सलामती की तोपें दागी जा रही हैं, दरबारी मुझे झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। आलीजा, क्या गरीब आदमी के लिए बादशाही के ख्वाब देखना भी जुर्म है? बादशाही के ख्वाब देखने का जुर्म तो माफ किया जा सकता है, मगर तुमने जो जुर्म किया है हम हरगिज माफ नहीं कर सकते। वो क्या? तुमने आलम ख्वाब में एक हसीना से मोहब्बत की है। जी हाँ। और उसका दिल तोड़ दिया है। हम तुमको उसकी इतनी सख्त सजा देंगे कि दुनिया याद करेगी। तुम्हें दुनिया की बदसूरत तरीन औरत से शादी करना होगी। खामोश, हाजिर करो। आलम पना, आप मुझे संसार करा दीजिए, मैं सब तन से जुदा करा दीजिए, मैं
مگر ایسی سخت سزا مجھے نہ دیجیے عالم پناہ. خاموش, اب کی زبان کھولے تو اس کی گردن اڑا دو. قبول کیا زبان سے کہو قبول کیا. قبول کیا. مبارک ہو حسن, مبارک ہو. وزیر اعلیٰ, حسن کو ایک سال کی تنخواہ پیش کی عطا کی جائے تاکہ وہ آرام سے رہ سکے. دیکھو حسن, فضول خرچی نہ ہونے پائے. اگر اس سال میں دوبارہ تم ہم سے کچھ مانگنے آؤ گے تو کفن کے لیے بھی کوڑی عطا نہ ہوگی, سمجھے؟ عالم پناہ, جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. کہو کہو. ان اشرفیوں کے بجائے مجھے کفن منگوا دیجیے, کیونکہ میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. خدا نہ کرے حسن. پارا, یہ خواب ہے یا بیداری؟ امی جان. میاں آگے. بیٹا ابو حسن. امی جان دیکھیے کتنا حسین ہے شہنشاہ کا مزہ. یہ آپ کی بہو ہے. بہو؟ ہاں, جیتی رہو بیٹا, جیتی رہو. تو کتنا خوش نصیب ہے ابو الحسن, میری چاند سی بہو. اب میں بڑے اطمینان سے اپنا حج کو جا سکوں گی. تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے پروردگار. تم لوگ خوش رہو, دعا کرو کہ خدا میرا حج قبول کرے. انشاءاللہ. خدا حافظ. جیتے رہو, خوش رہو میرے بچوں, جیتے رہو. خدا بری نظر سے بچائے, آج تو چہرہ پھول کی طرح کھلا ہے. معلوم نہیں یہ پھول کسی تاج کی زینت بنے گا یا مزار پر چڑھا دیا جائے گا. اے اللہ, بری فال موچا نہیں نکالتے شہزادی صاحبہ, یہ پھول شاہ مراد کے گلے کا ہار بنے گا. معلوم نہیں شاہ مراد کیسے ہیں. چندے آفتاب, چندے مہتاب. میرا دل کہتا ہے کہ وہ بہت حسین ہوں گے. اس وقت کیسے آئے وزیر سلطنت؟ علی جا, اطلاع ملی ہے کہ ملک آباد کی شہزادی کا قافلہ چل پڑا ہے. تو مقابلے کی تیاری کرو, ہم کسی غنیم کو اپنی سرحد میں داخل نہیں ہونے دیں گے. لیکن جہاں پناہ شہزادی آپ سے منسوب ہو چکی ہیں اور وہ شادی کی غرض سے جہاں تشریف لا رہی ہیں. تو شہزادی کا حملہ سلطنت پر نہیں بلکہ براہ راست ہماری ذات پر ہے. علی جا, یہ رشتہ مرحوم شہنشاہ کا طے کیا ہوا ہے. ہمیں رشتہ منظور نہیں. خدا کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو بغیر دیکھے قبول نہیں کر سکتے. علی جا, دونوں حکومتوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے, جنگ ہو جانے کا خطرہ ہے. اور شہزادی کو بغیر دیکھے شادی کرنے سے ہماری زندگی برباد ہونے کا خطرہ ہے. جو مرضی علی جا, لیکن سلطنت کے پرانے نمخوار ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہی درخواست دوبارہ پیش کروں. اگر آپ نے شادی سے انکار کر دیا تو شہزادی صاحبہ کی توہین ہوگی, ملک آباد کی فوجیں ہم پہ حملہ کر دیں اور ہزاروں بے گناہوں کا خون بہ جائے. ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو وزیر اعلیٰ, شادی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہے. اگر جیت گئے تو زندگی جنت اور ہار گئے تو جہنم. ہماری زندگی داؤں پر نہ لگاؤ. ہم پہلے شہزادی کو دیکھیں گے اور پھر یہ طے کیا جائے گا کہ شادی ہوگی یا جنگ. اب تم جا سکتے ہو. آؤ حسن, آج کل تو تمہارے بڑے عیش معلوم ہوتے ہیں. کچھ نہ پوچھئے جہاں پناہ. ساملی شامیں سیاہ زلفوں کی مہکائی ہوئی, چاندنی راتیں جواں بوسوں کی پگھلائی ہوئی. زندگی کتنی حسین, کتنی جواں ہے ان دنوں. ملک آباد کی شہزادی ہم سے شادی کرنے آ رہی ہیں. مبارک ہو جہاں پناہ, اس نیک کام میں دیر نہ کیجیے, فوراً کر ڈالیے. شادی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے. مگر ہم نہ شہزادی کی صورت سے آشنا نہ ان کے مزاج سے واقف. جہاں پناہ, یہ مزاج اور صورت دیکھنا تو ہم غریبوں کے لیے ضروری ہے, بادشاہوں کے لیے نہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں تو لیڈی کے ایک ہی شادی ہوتی ہے, اگر اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی تو بس گئے کام سے, پوری زندگی عذاب ہو جائے. بادشاہوں کا کیا, پورا محل کنیزوں بیویوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے, اگر اس میں ایک آدھ بصورت نکل گئی تو کیا ہوا. خاموش.
हमें ये व्यापारी शादी पसंद नहीं, हम हुकूमतों के सौदे के बजाय दिल का सौदा चाहते हैं। तुमने पारा से मोहब्बत की, क्या हमें मोहब्बत करने का हक नहीं? जी हाँ आलमपना, मगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहो। ये बातें शाही जलाल को जेब नहीं देती। हाँ, हम शहंशाही नहीं इंसान भी तो हैं। क्यों नहीं आलमपना? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? हम शहजादी को देखना चाहते हैं, सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि ये भी देखना चाहते हैं कि क्या वो हमें एक मामूली इंसान की हैसियत से ही पसंद करेगी या वो सिर्फ शाही खजानों से शादी करने आ रही है। लेकिन आलमपना, तुम हमारे साथ चल रहे हो, बस चलो, चलो। मुझे अकेला छोड़ के न जाओ। जितना करो पारा, हसन अपनी जान दे सकता है मगर दिए हुए कौल को नहीं तोड़ सकता। मैंने शाहमुराद के साथ जाने का वादा कर दिया है। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, नहीं तो मैं रो रो कर जान दे दूंगी। नहीं पारा, सफर बहुत लंबा है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। सुनो तो, I'm gonna make it.
उड़ा दो इन सब की गर्दन से। माता कहता था कि ये खेल अच्छा नहीं है। चुप रहो। सरकार, हम लोग डाकू नहीं है, खासदार को हसन कहते हैं, और ये मेरी बीवी का भाई, मेरा साला है, बहुत बदमिजाज है, और ये शाह मुराद नाचीज शाह मुराद का गुलाम है। रखो मैं, उड़ा दो गर्दन से। मत जाएंगे हम लोग तो। ठहरो। इस अजनबी ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत की, इन्हें रिहा किया जाए। इनके जख्मों की मरहम पट्टी की जाए। जो ले जाओ हकीम साहब। आज कुछ नहीं हो सकता वजीर आला। क्यों 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 क्यों? शहजादी साहबा फरमाती हैं कि अजनबी को आराम की जरूरत है। आराम 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 आराम। आप क्यों तकलीफ फरमा रही हैं शहजादी साहबा? तुमने अपनी जान पर खेल कर हमें बचाया है। वो तो मेरा फर्ज था। तो ये हमारा फर्ज है? तब तो फिर और भी जख्म खाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप मरहम पट्टी करेंगे। शाह मुराद के मुंह चढ़े मालूम होते हो। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। दरअसल शाह मुराद मेरे काट के उल्लू है। खामोश। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ शहजादी साहबा, जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, वजीर आला का हुक्म चलता है, लेकिन दिल की दुनिया के हम मालिक हैं। तुम? जी बस यही समझ लीजिए कि शहंशाह का दिल हमारे सीने में धड़कता है। जब ही तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कि शादी से पहले आपको देखकर फैसला करूँ। फैसला? जी। और अगर तुमने हमें पसंद नहीं किया तो आपका भी वही असर होगा जो हरम की दूसरी औरतों का होता है। हरम? मगर हमने तो सुना है कि शहंशाह की कोई हरम नहीं। नहीं के बराबर ही है, यही कोई 150-200 औरतें हैं। 150? जी हाँ, अब तो और भी कम रह गई हैं। पिछली चांद रात शहंशाह ने 6 को तो दरिया में फेंकवा दिया और 12 ने गले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फांसी? मगर आप क्यों परेशान होती? मैं तो आपको पसंद करता हूँ, मेरा मतलब है कि शाह की तरफ से। तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो शायद। क्या शहंशाह बहुत हसीन है? क्या कहने हैं क्या कहने हैं, वो शाहाना शक्ल पाई है कि जवाब नहीं। चाल बड़ी लोचदार है, बात यह है कि एक टांग छोटी है और एक टांग बड़ी। या खुदा, सारी दुनिया को एक आंख से देखते हैं। एक खूबी तो है। जी हाँ, बात यह है कि शहंशाह जरा काने हैं। शहजादी साहबा, इतने गुलामों और कनीजों के होते हुए आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अपनी जान बचाने वाले की जिम्मेदारी तकलीफ नहीं, ऐन राहत है। खैरियत तो है वजीर आला? खैरियत, बिल्कुल खैरियत, खैरियत, खैरियत। फरमाइए फरमाइए। सीधे मुंह बात ही नहीं किया करते। अरे भाई, मगर जरा दूर से बात करो ना। सूरत गुलामों जैसी, नखरा शाहों जैसा। शुक्रिया। शहजादी साहिबा ने याद फरमाया है। शहजादी साहिबा ने? हाँ हाँ, क्या बहरे हो, सुनाई नहीं देता। चलो
शाही आदाब से भी वाकिफ नहीं हो नालायक। इस नाचीज को शहजादी साहब ने कैसे याद करवाया? हर वक्त बेकार टन 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 किया करते हो, ये मुफ्तखोरी की आदत अच्छी नहीं है मियां। अपने नगमों से शहजादी साहब का दिल बहलाओ। बैठो। जहे नसीब, क्या सुनिएगा शहजादी साहबा? आप बीती या जग बीती? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ याद है वही सुना। बहुत खूब, तो फिर सुनिए। मोहब्बत बनाए, मोहब्बत मिटाए, मोहब्बत किसी दिन खुदा बन न जाए। मोहब्बत करम भी, मोहब्बत सितम भी, मोहब्बत से मजबूर तुम भी हो हम भी। बकवास, मोहब्बत दिमाग की एक बीमारी के सिवा और कुछ नहीं। वजीर आला, बीच में ना टोकिए, अजनबी शायर अपना बयान जारी रखो। बहुत खूब शहजादी साहिबा। थी एक शहजादी बड़ी खूबसूरत, जमी पर उतर आई थी हूर जन्नत। जवां जिस्म में सौ तरह के नजारे, हसी मस्त आंखों में पिघले सितारे। थी एक शहजादी, वो लांबा सकद, वो लचकती सी बाहें, गुनाहगार करती थी नीची निगाहें। लरजते जो थे लब गुलाबी गुलाबी, पटक देते थे जाम कितने शराबी। नजर में तकाजे, लबों पर बहाने, चली वो किसी का मुकद्दर जगाने। थी एक शहजादी, अचानक फकीर एक नसीबों का मारा, नजर आ गया जैसे बादल में तारा। निगाहें मिली, आरज़ू मुस्कुरा दी, मोहब्बत ने सोई तमन्ना जगा दी। थी एक शहजादी। हल मिला कुवत, भला एक शहजादी एक फकीर से क्यों कर मोहब्बत कर सकती है? आप इन बातों को नहीं समझ सकते वजीर आला। हाँ अजनबी, तो उनकी मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ? इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा, देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा, देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। ख्वाबों की जन्नत लुट गई, रास्ते में उल्फत लुट गई, वो चांदनी रातें गई, रंगी मुलाकातें गई। दुश्मन जमाना हो गया, दिल का सुकून खोना पड़ा। इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा, देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ?
मोहब्बत की दुनिया लुट जाने के बाद वो दिल रुबा शम्मे हया जलने लगी, फरियाद में कातिल हंसी ढल लगी, आंखों से जादू उड़ गया, नजरों का नश्तर मुड़ गया, गेसू परेशान हो गए, मरने के सामा हो गए, गेसू परेशान हो गए, मरने के सामा हो गए, सीने में हर दम आह की तलवार सी चलने लगी, वो दिल रुबा शम्मे हया जलने लगी, फरियाद में कातिल हंसी ढलने लगी। और बेचारा शायर वो मजबूर किस्मत से बाजी लगाए, लहू से चिरागे तमन्ना जलाए, मुखालिफ हवाओं से टकरा रहा था, अंधेरे में बढ़ता चला जा रहा था, मोहब्बत ने जख्मी लबों से दुआ दी, लिया जिसने दिल जान उसी पर गवा दी। चलो माफ करना। वजीर आला, आपके सीने में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है। आज नबी, फिर उस बदनसीब शहजादी का क्या अंजाम हुआ? घटा खुल गई आंसुओं की बरस कर, उसे आ गया सब्र दो दिन तरस कर, थी एक शहजादी। झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। अब अजीब आदमी हो जी, तुमसे दिल बहलाने की फरमाइश की गई थी, रुलाने की नहीं। दी साहबा, अब तो कूच की इजाजत दीजिए। अच्छा अजनबी शायर, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। यूं भी गुजर गई रातें, यूं भी गुजर गई रातें, तेरे फिराक में। अरे जरा उधर परे हट के। क्यों? अरे सारा खेमा पड़ा हुआ है, मेरे ही सर पर चढ़ के बैठने की क्या जरूरत है? हम तो यहीं बैठेंगे। अच्छा भाई तुम्हारी खुशी। यूं भी गुजर गई रातें, शायरी हो रही है जी। तो मेरे ऊपर एक अच्छा सा शेर कह दो। अरे, अगर मेरा साला देख लेगा तो क्या होगा? तो मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा लूंगी। अच्छा बाकी आओ, बाकी तो छुपाओ अपने दिल में। ये मुझे छेड़ रहा था। बाकी ये झूठ बोल रहेगी, मैं इसे खत्म नहीं छेड़ रहा था, ये झूठी है। कैसे मर्द हो जी, ये मुझे झूठी कह रहा और तुम खड़े देख रहे हो। बारा से ये भी बता लो तलवार। अरे निकालो तलवार, तैयार हो जाओ। शाबाश मेरे शेर। खैरियत तो है? कहाँ है खैरियत, जिस दिन से तुम मिले हो बाप। मगर मेरी तो शादी हो चुकी है, नहीं तो मैं तुम्हें से शादी कर लेता। शादी हो चुकी? हाँ, दो बच्चे ही। दो बच्चे भी है? हाँ। तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? अरे रे, तुमने पूछा ही कब था? धोखेबाज। आदाबर से। हाँ
कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारा नजर हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। चांद तारों को मैसर है नजारा तेरा मेरी बेताब निगाहों से ये पर्दा क्यों है। चांद आईना मेरा तारे मेरा नक्श कदम घर को आँख मिलाने की तमन्ना क्यों है। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। तुझको देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने बस यही इस के सिवा मेरी खता क्या होगी। मैंने अच्छा किया घबरा के जो मुँह फेर लिया इससे कम दिल के तड़पने की सजा क्या होगी। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा हुस्न का पास निगाहों को सिखाना। प्यास कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारा नजर हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। हकीम साहब, हकीम साहब। हुजूरे वाला, अरे बुढ़ापे में मेरा मुंह काला हो जाएगा अगर शहजादी। खामोश हुजूरे वाला, ऐसी बातें मुंह से निकालने की नहीं होती। अगर किसी के कान में भनक पड़ गई तो जान की खैर नहीं। हाँ जान की खैर नहीं, जान की खैर नहीं, जान की खैर नहीं, जान की खैर नहीं। किसके हुकुम से खैमे में आने की जुर्रत की? शाह मुराद के हुकुम से। शाह ने गुलाम को शहजादी का दिल बहलाने के लिए भेजा है। कुछ और सुनिएगा। हमारे पास इन हिमाकतों के लिए वक्त नहीं है। मेरे रबाब को सुनने के लिए डूबता हुआ सूरज और बहते हुए दरिया तक रुक जाया करते हैं। और आप यूं दिल शिकनी फरमा रही हैं शहजादी साहिबा? जबान तो खूब चलती है। शुक्रिया। लाहौल बदल मालूम होता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी सफर। इस लकड़ी के टुकड़े में से ऐसे जादू भरे नगमे क्यों कर निकाल लेते हो? ये राग उंगलियों से नहीं शहजादी साहिबा बल्कि दिल से निकलते हैं। आप बजाइए। ऐसे नहीं, ये हाथ यहां रखिए और ये हाथ यहां ऐसे। अब तसव्वुरात की डोर को आजाद छोड़ दीजिए, ख्वाबों की दुनिया में खो जाइए। सोचिए कि आपका महबूब आपके सामने बैठा है और अरमानों भरी जवानी मोहब्बत की रंगीन कहानी सुना रही है।
दो जवान दिल धड़क कर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिंदगी ने सांस रोक ली है, सितारे रुक गए हैं, वक्त ठहर गया है। चले जाओ यहां से, हमें नहीं पता था कि तुम इतने जलील हो। शहजादी साहब, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। कान बंद करने से कोई फायदा नहीं शहजादी साहब, ये आवाज आपके दिल की धड़कन बन चुकी है। चले जाओ यहां से। हम पर तुम्हारा एहसान ना होता तो सर कलम करवा देते इस गुस्ताखी पर। पछताइएगा शहजादी साहिबा, मैं अगर चला गया तो आपके ख्वाबों की दुनिया उजड़ जाएगी, अरमानों का खून हो जाएगा। आंखें मेरी सूरत को, कान मेरे नगमों को तरसेंगे। आप मुझे ढूंढिएगा, पुकारिएगा और मेरे कदमों के निशान देखते ही पीछे पीछे चले आइएगा। चले जाओ यहाँ से, हम कभी तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। आज तो बखुदा मजा आ गया हसन। गुस्ताखी माफ आलिया, कहीं हंसी में खसी ना हो जाए। अब ये खेल खत्म कीजिए और वापस चलिए। खेल तो अब शुरू हुआ है हसन। आपने शहजादी को देख लिया, शहजादी ने आपको, अब क्या देखना बाकी रह गया? अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज रात को तो बड़े जोर का मुकाबला होने वाला है। एक तरफ शहनशाह का जाहो जलाल और दूसरी तरफ हमारी मोहब्बत, देखना है कि जीत किसकी होती है। मगर आलिया, शहनशाह तो आप ही हैं और फिर आप, आप तो ये हार जीत ये तुम नहीं समझोगे हसन। उदास उदास फिजाओं में नूर छलकाओ, बुझे बुझे हुए तारों को हंस के चमकाओ। गुरूरे हुस्न सलामत नराह दिखलाओ, रबाब डूब गया खून में अब तो आ जाओ। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, मेरा हर सांस में रस घोल रहा है। इस सांस के पर्दे में खुदा बोल रहा है। नगमा मेरा हर सांस में रस घोल रहा है। इस सांस के पर्दे में खुदा बोल रहा है। छेड़ा है अगर सांस तो गाना ही पड़ेगा। छेड़ा है अगर सांस तो गाना ही पड़ेगा। सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। गलहूद
दर्द भरे राग से कब तक खेलेगी तेरी मस्त अदाक से कब तक टपके गलहू दर्द भरे राग से कब तक खेलेगी तेरी मस्त अदाक से कब तक इस खेल में अब हाथ जलाना ही पड़ेगा इस खेल में अब हाथ जलाना ही पड़ेगा सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा उल्फत कभी दुनिया से डरेगी न डरी है के जवानी ने सदा मांग भरी है उल्फत कभी दुनिया से डरेगी न डरी है पूरों के जवानी ने सदा मांग भरी है हंसने के लिए जख्म तो खाना ही पड़ेगा सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा मुझे इतनी सख्त सजा न दो कहाँ चली कितना बेगम खबरदार निकाल कर मार दिल कहीं का जाने दे भाई भूल गई फूल का बच्चा निकाल कर मार अरे दे थर थर वो देखो कौन आ रहा कहाँ कहाँ चले बाके अरे बाप रे कहाँ से मुसीबत आ गई छोड़ 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 छोड़ो सुनो तो कहाँ चले बाके अच्छा कौन है क्या हुआ क्या हुआ अरे वो आ रही है कौन वही वही तुम्हारी फितना अरे बाप रे जल्दी से लाल पुआई बुला को टाल तू जल्दी से लाल पुआई बुला को टाल तू कहाँ है वो कौन वो मेरा साला हाँ अच्छी वो तो अभी इस तरफ से गया है शुक्र आओ कहाँ ए, क्या देखता कुछ नहीं यार अगर तू लड़के के बजाय लड़की होता तो मैं तेरी बहन के बजाय तुझी से शादी करता अच्छा अगर अब मैं लड़की हो गई तो क्या अपनी बीवी को तलाक दे दोगे अरे तलाक अगर तुम कहो तो उसका सर काट के तुम्हारे कदमों पर डाल दूं अच्छा ये बात है तो लो काटो सर थोड़ा काटो मुझे इस जहन्नम से निकाल ले चलो अजनबी दूर बहुत दूर जहाँ मैं हूँ तुम हो और तुम्हारा ये हसीन रबाब हम गरीबों की जिंदगी बड़ी कठिन होती है शहजादी साहिबा दिन कांटों पर और रातें अंगारों पर गुजरती हैं मैं तुम्हारे लिए अंगारे दामन में समेट लूंगी और काटे पलकों से चुनूंगी ये ख्वाब हकीकत की चटान से टकरा के चकनाचूर हो जाएंगे चार कदम चलकर आपके नाजुक पैरों में आबले पड़ जाएंगे ये फूल सा चेहरा कुंभला जाएगा और आंखें आंसुओं में डूब कर वीरान हो जाएंगी तुम मुझसे दामन छुड़ाना चाहते हो अजनबी नहीं शहजादी मुझे जिस पति की तलाश थी वो मिल गया
तो फिर चलो आज ही रात। अब इसकी जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है कि हमको मौके का इंतजार करना चाहिए। हुजूरे वाला, हुजूरे वाला। क्या हुआ? गजब हो गया, शहजादी साहब खेमे में नहीं है। खेमे में नहीं, खेमे में नहीं। रात बहुत हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो। अगर ये बात शाह मुराद तक पहुंच गई तो वो शादी से इनकार कर देंगे और हमें जीते जी जहन्नम में झोंकने की आग की यह साजिश नाकाम हो जाएगी। ये क्या कर रही हैं आप लोगों ने जिससे हमारी शादी तय की है उसे देखा भी है? देखने की जरूरत नहीं, वो नूराबाद का शहंशाह है, काफी फौज और बहुत बड़े खजाने का मालिक है। वजीर आला, अरमान भरा दिल फौज और ताकत के अलावा भी कुछ देखता है। शहजादी साहबा, इस शादी से दोनों रियासतों में दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। वो इंसान की शक्ल में खुदा का कहर है, हम अपनी जिंदगी पर उसकी परछाई भी न पड़ने देंगे। दोनों रियासतों में जंग छिड़ जाएगी, हजारों बेगुनाहों का खून बह जाएगा और फिर हम कमजोर भी तो हैं। ऐसी बात आपको जबान पर नहीं लाना चाहिए। खुदा ने जबान इसीलिए दी है वजीर सल्तनत के इंसान अपने दिल की बात कह सके। शहजादी साहबा, मलकाबाद की रियासत ने जहाँ मेरे कंधे पर फराइज का बोझ रखा है वहाँ कुछ अख्तियारात भी दिए। वजीर आला, आप हमारे रास्ते की दीवार बन रहे हैं। मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है। रहम कीजिए वजीर आला, हमें जाहो जलाल शान और शौकत कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और आप मलिकाबाद वापस लौट जाइए। और आलीजा का कहर इस बुढ़ापे में? वो कुछ नहीं कहेंगे, उनसे कह दीजिएगा कि शहजादी लाला रुख मर गई। हाँ, शहजादी लाला रुख मर गई। मैं ये सफेद दाढ़ी लेकर झूठ नहीं बोल सकता। ये झूठ नहीं है वजीर आला, वाकई शहजादी लाला रुख मर गई। मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली औरत हूँ जिसके रुए रुए में एक गरीब इंसान की मोहब्बत रची हुई है। कूच की तैयारी की जाए। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है। अब कहाँ जा रही हैं शहजादी साहिबा? इस वक्त भली जानवर उसकी हड्डियों पे रबाब बजा रहे होंगे। अर्ज से मजबूर होकर मुझे उस बेवकूफ की जान लेना पड़ी। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, मैं उसके पास जाऊंगी। खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया सर, जानी मुनि शहंशाह को। क्या क्या शहंशाह को? शहंशाह को मार डाला। या खुदा, इसीलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ला रहा था। छोड़ इन बातों को, भाग चलो ना अपनी भी जान की खैरियत से। Be.
तुझसे हुए हम जुदा से हुए हम जुदा अलविदा अलविदा अलविदा। ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। वजीर, वजीर आला से कह दो कि कि, कि, कि मैं ही शहंशाह हूँ। हाँ शहंशाह। हाँ, तुम ही तो मेरे दिल के शहंशाह हो। शहजादी साहब, रहम करो, दिल्ला रहम करो। चलो, इसे कुत्ते की मौत मरने दो यहीं, सिसक सिसक कर। चलो, चलिए। छोड़ दीजिए। चलिए। रहम कीजिए। छोड़ दीजिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि दुश्मनों को ज्यादा चोट नहीं आई। अब तो वापस चलिए आलम बना। तुम कितने अहमक हो हसन, पता नहीं बेचारी शहजादी का हमारे गम में क्या हाल होगा, और तुम कहते हो वापस चले। अलीजा, काफले ने आज भी कुछ नहीं किया। तारा, तुम किसी तरह से शहजादी के पास पहुंचो और हमको उनकी खैरियत से आगाह करो। जो हुक्म अलीजा। बेहतर होगा कि तुम काफले के साथ नूराबाद चली जाओ, इस तरह से रास्ते में शहजादी की देखभाल भी कर सकोगी। बहुत होशियारी से पारा। हुजूर, डाकुओं ने हमें लूट, मेरे साथी नजारा ने मुझे छोड़कर किधर चले गए। दो रोज से भूखी प्यासी मैं जंगल में छुपी बैठी हूँ, आपका काफला देखकर जरा ढारस बंधी। तुझे कहाँ जाना है लड़की? नूराबाद मेरा वतन है, मैं वहीं जा रही थी।
मगर अब जिधर आपका काफिला जाएगा उधर ही जाऊंगी। हम भी तो नूराबाद ही जा रहे हैं। हुजूर ये मेरी खुशनसीबी है, मैं किस जबान से हुजूर वाला की इनायत का शुक्रिया अदा करूँ। इसे शहजादी साहबा के खेमे में पहुँचा दिया जाए और कूच की तैयारी की जाए। हुजूर वाला, शहजादी साहिबा की हालत बहुत नाजुक है, लिहाजा काफिला कुछ नहीं कर सकता। या खुदा, रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। हकीम साहब। जी हुजूर। अरे आप किस मर्ज की दवा है? बीमारों का इलाज तो ये गुलाम कर सकता है, मगर शहजादी के मर्ज की दवा ना तो आपके हाथ है और ना मेरे। इशा खुदा, ये बुढ़ापे में किन गुनाहों की सजा मिल रही है, किन गुनाहों की सजा मिल रही है? लीला कुछ कीजिए हकीम साहब। सिवाय दुआ के ये गुलाम और क्या कर सकता है? हाँ, दुआ दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। जी देखिए हुजूर वाला, शहजादी की हालत बहुत नाजुक है। वाह हुजूर वाला, ये अच्छा मजाक है, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। मगर अब किया क्या जाए? चल के सब कुछ बता दीजिए। अगर किसी ने यकीन ना किया तो वजीर आला तो तुम जानते ही हो। जो वजीर आला निरे गड़बड़ झाला है। अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि खुदकुशी करके जहन्नम वासल हो जाऊं। या खुदा, जरूर वाला, दो अजनबी आए हैं और अपने को हकीम बताते हैं। अजनबी? लानत हो इन अजनबियों पर, होंगे लफंगे कहीं के, पढ़ा दो उनको, हमारा दिमाग पहले ही परेशान है। नाचीज के पास दिमाग की परेशानी का भी इलाज है, निकालो इन लफंगों को। हमारे पास गुस्ताखी का भी इलाज है। हुजूर वाला, बस आजमाइश शर्त है, आजमाइश। हम उस नादान बच्चे का इलाज कर सकते हैं, हमारे पास उसके जख्मी दिल के लिए दवा है। कौन नादान बच्चे? हुजूर वाला, हकीम साहब बहुत पहुंचे हुए आदमी है, इनसे दुनिया का कोई राज पोशीदा नहीं है। वही कि जो शहजादी कहलाती है, मगर सीने में औरत का दिल है। आसमानों में बसने वाली अब मोहब्बत के खातिर जमीन पर आ गई है। और वो अजनबी शायर के जिसने बस मत खामोश। दीवार हम कोश दारत, अगर ये बात नूराबाद के शहंशाह के कानों तक पहुंच गई तो मेरा तो घबराइए मत, हम सब ठीक कर लेंगे, अल्लाह अपने साथ है, फिर क्या फिक्र है घबराने की। तो चलिए तशरीफ ले चलिए, आइए। आइए आइए तशरीफ लाइए। जी हाँ जी हाँ, जरूर तशरीफ ले चलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए, आइए तशरीफ लाइए। ये रही मरीजा, अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम करे। यार क्या कर रहे हैं? देखिए साहब, हम दखल तरबाकुलात पसंद नहीं करते। आप नुस्खा लिखिए, नुस्खा। और बगैर मरज के पहचाने ही नुस्खा लिख दे। जी हाँ, खुदा हाफिज। अरे सुनिए तो कबला, अगर हमारा इलाज आपको करवाना है तो जो हम कहेंगे वो होगा। जी हाँ जी, माशाल्लाह। डरो नहीं डरो नहीं, हम तुम्हें शफा देने आए। मुझे शफा नहीं, मौत चाहिए। मरने वाले के साथ कोई नहीं मर जाता, इस नौजवानी में मौत का जिक्र किस कदर मनहूस है। अस्तगफुरुल्लाह, तबाह तबाह। जो जीना ना चाहे उसके लिए मौत का जिक्र मनहूस नहीं, मुबारक होता है। आप यहाँ से चले जाइए। नादान बच्ची, एक फकीर के वास्ते जान देना कितनी बड़ी हिमाकत है। जरा दुनिया की तरफ तो देख, किस कदर खूबसूरत है ये कमसिनी और मौत, ये हुस्न और जिंदगी से बेजारी। बस बस रहने दीजिए, ज्यादा नसीहतों की जरूरत नहीं, आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तुम दिल के हाथों मजबूर है शहजादी, और जो दिल के हाथों मजबूर होता है वो दिल के अलावा किसी का कहना नहीं मानता। बिल्कुल यही हालत हमारी भी है शहजादी। यानी ये कि जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारे हुस्न के चर्चे सुनते हैं और अपना सर ढूंढते हैं शहजादी। हाँ शहजादी, हम तुम्हारा इलाज करने नहीं आए शहजादी, हम अपने दिल के जख्मों की दवा लेने आए। रहम करो शहजादी, अपनी नौजवानी का सदका इस ज़हीफ़ी में। इस बुढ़ापे में आपको ऐसी बेहुदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती?
दिल के हाथों मजबूर हूँ हसीना, रहम मेरे दिल की मलिका। खबरदार, कोई है? तखलिया। तखलिया? तखलिया। हाँ, तखलिया। वैसे हम देखने में ही बूढ़े हैं शहजादी साहबा, अब दिल हमारा भी जवान है। कभी शैतान, तेरी ये जुलम। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है मुझे? डरो नहीं शहजादी साहबा, इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा, हमने सब इंतजाम करा लिया। शर्म नहीं आती? जरा अपनी सफेदारी तो देख। मोहब्बत में शर्म कैसी शहजादी साहबा, आप भी तो एक अदना फकीर से मोहब्बत करती हैं, हालांकि उसका और आपका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं कि उससे मोहब्बत करें। बिल्कुल यही हालत हमारी भी है शहजादी साहब। शहजादी दूर हो जाओ। अच्छी बात है, हम चले जाते हैं। अगर हम तुम्हारी मुलाकात उस अजनबी फकीर से करा दें तो? बुड्ढे खुशक मुझे बेवकूफ बनाता है। इतनी तलखीन शीरी होंठों को जेब नहीं देती शहजादी, तुम्हारे महबूब से अगर तुम्हारी मुलाकात करा दें तो? अब तो मौत ही हम दोनों को मिलवाएगी। और यकीन है शहजादी कि हम झूठे वादे नहीं करते। तो क्या वो जिंदा है? हाँ, और एक शर्त में मुलाकात भी हो सकती है। कैसी शर्त? वो ये क्या हमारे टूटे हुए दिल को? छोड़ दो मुझे। तुम्हारी मर्जी, हम चले जाते हैं। अगर उससे मिलना हो तो रात को रबाब की आवाज पर चली आना। हकीम साहब, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, मर्ज बहुत खतरनाक है। अल्लाह अल्लाह, अगर आप हमारे हमराह चले तो शाह मुराद आपको मालामाल कर देंगे। अस्तगफुरुल्लाह। देखिए साहब, अगर ये माल और दौलत का लालच आपने दिया तो हम लोग फौरन चले जाएंगे। जा, खुदा हाफिज़। लेकिन लेकिन शहजादी को अगर रास्ते में कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हकीम साहब नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम इस कदर बेरहम नहीं है। हम इसका वादा करते हैं कि सरहद तक आपको बखैरियत पहुँचा देंगे। मगर जी फरमाइए, ये माल दौलत की फिर बात की तो चले जाएंगे हम लोग, फौरन चले जाएंगे। जहाँ आपका हुक्म सर, आंखों पर, आप खेमे में चल के आराम फरमाइए। आइए तशरीफ ले। तो चलिए। शहजादी, तुमने बड़ी देर कर दी, हमारी आंखें तुम्हारी राह देखकर बूढ़ी हो गईं। कहाँ है अजनबी? अजनबी? अरे तुम भी बड़ी भोली हो शहजादी, कहीं मरने वाले भी जिया करते हैं। तो तुमने हमें धोखा दिया? हम क्या करें शहजादी, अपने दिल बेकरार से मजबूर होकर। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, नापाक बुड्ढे। ये क्या करती हो शहजादी, अपने महबूब के खून से हाथ रंगना चाहती? लानत है ऐसे महबूब पर। ये तुम्हारी भूल है शहजादी, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। लानत भेजो मरने वाले पर, जरा इस दिले बेकरार पे हाथ रखकर देखो किस जोर जोर से धड़क रहा है शहजादी। अच्छा, तुम्हारे सारे अजीज की कसम, जरा दिल पे हाथ रखकर तो देखो। ठीक कहते हैं आप। अब कुछ करार आया शहजादी, अब कुछ करार आया। अगर अब भी करार नहीं आया तो ये ले, बदमाश कमीने, बदमाश। रहम मारिए ना शहजादी साहिबा, आपके हाथ में तो मौत भी जिंदगी है, फिर तकल्लुफ कैसा? अजनबी, जोरे वाला चश्मे के करीब वो और शहजादी साहिबा। बस बस बस, आज हम अपने हाथ से उस नामराद को मारते रहते। यानी कि आप फिर ना दिलोगे? देखिए साहब, अगर इस सूरत से जासूसों की तरह से आप हमारे पीछे पीछे रहेंगे तो फिर तुम्हें खुदा गलती होगी। गलती होगी, खैर माफ किया जाता था। तशरीफ ले, जो होगा जो तशरीफ। क्या? हाँ तशरीफ, तशरीफ ले चलो, तशरीफ।
कहाँ गायब है? खुदा जाने कहाँ गायब? हमें भी अपने साथ ले चलो अजनबी। सर आंखों पर, मगर नूराबाद में आपके खैर मकदम की तैयारियां हो रही हैं। अगर हम यूं बुजदिलों की तरह भाग निकले तो सारी दुनिया हमारे नाम पे हंसेगी। मगर अजनबी, आप नूराबाद तशरीफ ले चलिए, अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा न कर सकेगी। मैं शहनशाह से भी आपको छीन लूंगा। नहीं नहीं, नूराबाद में मुलाकात होगी। खुदा अजनबी, खुदा हाफिज। ले जा मेरी दुआएं, ले जा मेरी दुआएं, दामन छुड़ाने वाले तड़पा उल्फत अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले। गुरकत का दर्द ले बरात आई, गुरकत का दर्द लेकर शादी की रात आई, घर लूटने खुशी का गम की बरात आई, अपना बना के छोड़ा नजरें चुराने वाले, तड़पा के जाने वाले अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले। जाने वाले, ले जा मेरी
शहजादी साहबा, शहजादी साहबा, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ शहजादी साहबा। कल सुबह तक हम नूराबाद पहुंच जाएंगे। एक कूच की तैयारी करो। वजीर आला, जहां बना आपको तकलीफ नहीं याद फरमा रहे हैं। तकलीफ नहीं है ये किबला, बड़े नसीब है जो इतनी जल्दी बार यादी हासिल हो गई। अच्छा चलिए। आसमान पे सूरज और फरखे मुबारक पे ये ताज हमेशा जगमगाता रहे, आमीन। खुश आमदेद वजीर आला। तू ना हंजार ना बकार, तू यहाँ भी पहुंच गया, तू यहाँ क्यों आया? तो जरा आहिस्ता बात कीजिए, अगर आपने यहाँ कोई ऐसी ऐसी बात कर दी तो तमाम हालात शहंशाह को मालूम हो जाएंगे। मगर तुम यहाँ क्यों आए? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं जहाँ पर आपको क्या मुंह दिखाऊंगा। वजीर आला, आपने हमें और शहजादी को अलग करने की बहुत कोशिश की, मगर यहाँ पर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने हाथ से तुम्हारा हाथ पर कर दूंगा। मगर बात तो सुनिए, बात तो क्या सुनेगी? देखिए, मैं खुद ही शहंशाह हूँ। शहंशाह का बच्चा? अब मैं खुद ही शहंशाह हूँ। देखिए ना, यहाँ पर शहजादी साहिबा के लिए तोहफे हाजिर हैं। ये तोहफे हमारी जानिब से शहजादी लाला रुख की खिदमत पेश करो और उनसे अर्ज करो कि हम उनके दीदार के लिए बेताब हैं। जी जा, चल। आजम पना, ये क्या मजाक? शहजादी साहिबा, शहंशाह ने आपके लिए ये तोहफे भेजे हैं। ये नायाब तोहफे शहंशाह की खिदमत में वापस ले जाओ, हम इनके लायक नहीं। मालूम होता है कि शहजादी साहब को हमारे तोहफे पसंद नहीं आए। ऐसी भी क्या बे करा रही है शहजादी साहबा, जरा दिल को तो समझिए। हमारे रोबे हुस्न से मरूब होकर न जाने कितनी शहजादियों ने जान दे दी है। इन आंखों पर तरस खाइए शहंशाह। हमारा दिल भी तुम्हारे लिए पैदा है शहजादी, और उसका इलाज है शादी। शादी? शादी का नाम ना लीजिए। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, एक दिल वाले ने अपने खून से मेरी मांग भर दी, मैं उसी की हो चुकी हूँ। यह सब बकवास है, कोई गवाह पेश कर सकती हो? आसमान पर चमकते हुए हजारों सितारे, जिनकी वो बारात लेकर आया था, चश्मे की वो चंचल लहरें, जिन्होंने शहनाई बजाई थी, उसके जख्मों से टपकता हुआ खून, जिसने ये हाथ रंग था। ऐसी गवाहियों की कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं। तो तुम्हारी शादी हमसे हो गया? शहंशाह, शादी कोई फांसी का फंदा नहीं जो जबरदस्ती किसी के गले में डाल दिया जाए। एक दिल था जो मैं किसी और को दे चुकी हूँ। कहाँ का शहंशाह? वो दिल वाला? मेरे दिल का शहंशाह। तब तो कोई बात नहीं, ऐसे शहंशाहों के पास न तो फौज होती है और न हथियार, हम बड़ी आसानी से उसका सर कुचल देंगे। शहंशाह, आप ताकत के नशे में चूर हैं और मैं मोहब्बत के, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। हम रिश्ता तोड़ना भी जानते हैं, जोड़ना भी जानते हैं। कल शाम तक अगर तुम शादी के लिए राजी नहीं हो गई तो हमको ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगी। हाँ मियाँ, मार मार कर भूरता बना डाला, घर अकेला पाकर सब सामान लूट गए, घर में खाने तक को नहीं है, इतना मारा है कि अभी तक हड्डियां दुख रही है। हाँ, चल दफा लो। देखा, इसीलिए कहता था कि अकेला घर छोड़ कर ना जाओ। उधर अम्मा जान गई हज को और इधर लोगों ने पूरे मकान का सफाया कर दिया। क्या होगा अब? क्या होगा अब? फाके करेंगे,
बादशाह ने कह दिया था कि हसन तुम बहुत फजूल खर्च हो, अब अगर साल के बीच में मांगने आए तो कफन को एक कौड़ी भी ना मिलेगी। कफन को तो मिलेगी, बस एक तरकीब समझ में आती है। वो क्या? वो ये कि तुम मत जाओ। क्या कहा? अरे मैं मर जाऊं? अरे सुनो तो। क्यों? अरे सुनो तो, मेरे मरे दुश्मन मैं क्यों मरूं? अरे मेरा मतलब यह है कि जरा सुनो तो, दिमाग मुबारक में वो तरकीब आई है कि बस वल्ला सुनो। मकर वगर को छोड़ो। बना मैं तो मर गया, जहाँ बना तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ सर? जहाँ बना कहीं का नहीं रहा। अरे भाई बात क्या है, बात बताओ ना। पारा ना बना, मुँह से तो कुछ बोला ना। क्या नहीं निकलता ना बना, पारा मर गए। क्या हुआ पारा? शहजादी साहब हसन मुझे इस दुनिया से छोड़कर चला गया। हाय मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। और ऐसे वक्त में वो मरी के जब अपने पास कफन को एक कौड़ी भी नहीं। पारा तुम्हारी इस अचानक मुसीबत पर हमें बहुत अफसोस है। शहजादी साहब अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो उसके कफन दफन के लिए भी कुछ नहीं है। वजीर सल्तनत, शाही खजाने से हसन को 500 दीनार दिए जाए उसके पारा के कफन दफन के लिए। हमें बहुत अफसोस है पारा, ये लो और उसके कफन दफन का इंतजाम करो। खुदा आपको सलामत रखे शहजादी साहबा, अब मुझसे हसन के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जाएगी, मैं जान दे दूंगी। पारा हमारे दिल की भी यही हालत है, अजनबी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आलम पना, इरशाद आली के मुताबिक जश्न का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन शहर में चहमगोइयां हो रही हैं। आलमपना, खुदा के वास्ते अब तो इस मजाक को खत्म फरमाइए। आलमपना, शहजादी साहिबा की हालत बहुत नाजुक हो गई है, खुदा ना खास्ता उनके दुश्मनों को कुछ हो गया तो। आप लोग अपने अपने काम कीजिए, जब हम आपके मामलात में दखल नहीं देते तो आप हमारे मामलात में क्यों बोलते हैं? आप जश्न की तैयारी कीजिए, हम सब ठीक कर लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। जी सिवा कुछ भी।
देखो पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा, ये अंधेरा मेरी दुनिया का मिटाना होगा। प्यास कुछ और भी भड़का दे, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। शहजादी, तुमने बड़ी राह दिखाई अजनबी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, अब जुदाई की घड़ियां बीत गईं। कल सुबह, कल मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। तुम यहां से चले जाओ, वो दरिंदा तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन, शहंशाह? हाँ। अरे उसके क्या मजाल है शहजादी? नहीं नहीं, वो शहंशाह है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। उसकी ताकत कुछ भी नहीं, मोहब्बत के मैदान में वो एक फकीर है और हम शहंशाह। कोई आ रहा है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। मेरी बात तो सुन। आओ तो। मेरी बड़ी 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 बात तो सुन। कौन सा सवारी साहिबा? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। तू जा यहाँ से। कोई तो जरूर था, हमने खुदा बात सुनी है। जी, कोई भी तो नहीं जा रहा। कौन है अंदर? कोई नहीं जा रहा। झूठ बोलती हो तुम। तुमने उसको अंदर छुपा रखा है, मजा चखा देते हैं। हट जाओ। रहम कीजिए जहां पर। हम कह रहे हैं कि हट जाओ। रहम कीजिए जहां पर। बहन जान मर गया, अब क्या होगा? क्या होता है? रोने धोने रे, मत रो, सबर करो सबर। अच्छा जाती हूँ। हाँ शहजादी साहिबा मेरा अच्छा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा तुम जाओ। गई सिबर, गई बाल बाल बचन छोड़ गई। ये तो बेटी तो ये घुटना तो नीचे रखो। अरे अब घुटना नीचे मगर हम अब भी यही कहेंगे कि अगर पारा मर जाती तो हसन जरूर जान दे देता। नहीं आलीजन, हसन मर जाता तो पारा भी कभी जिंदा ना रहती। तुम बहुत जिद्दी हो मलिका।